कि जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सासों का आवागमन खत्म हुआ, उठाकर तू ये शमशान भूमि में रख दिया जाएगा और कुछ लकड़ियों से तेरे इस सुंदर शरीर को जला के भस्म कर दिया जाएगा। किस तरह से, आइए क्या लिखा बना। चुन चुन के लकड़ियों से थक दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट के भंगी तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों से थक दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट के भंगी तेरे कफन को। ले जाएगा झपट के भंगी तेरे कफन को। ले देगा आग तुझ में, ले देगा आग तुझ में ये बेटा जो खास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहां से
धरती जहां पर सर्वश्रेष्ठ जीव है, ना तुझसे कोई अकलबंद हुआ है ना हो सकता है। इतनी समझ होने के बावजूद भी अगर तू उस परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा तो तेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। आखिर चौथी कली में तोड़ करते हुए कवि ने क्या लिखा और क्या बताया भला। हाजी झूठे भरम में आखिर कब तक धसा रहेगा, माया के दलदलों में कब तक धसा रहेगा। झूठे भरम में आखिर कब तक धसा रहेगा, माया के दलदलों में कब तक धसा रहेगा। गौरी का चेला पीरू शंकरी का दास होगा, गोदी का फल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, गोदी का फल का टुकड़ा तेरा निवास होगा।